अभी तैयार हो रही है दुकान के जाने जाने के लिए। टाइम हो गया है 8 बज के, देख ये हमारी आज। तो अब मिलते हैं आपको सीधे ट्रॉली के पास जब हम दोपहर में लौट के आएंगे। अभी ट्राली में सामान लोड हो रहा है क्योंकि ट्राला हमारा गांव से बाहर खड़ा होता है, तो यहां से सामान ले जाके वहां उतार और फिर आपको दिखाते हैं कैसे क्या बचता है सारा सामान। अभी ये स्टाल बांध रहे हैं दोनों, मतलब दो स्टाल एक साथ बांधते हैं, जैसे शादियों में लगे हुए नहीं देखते उसी तरह से। तो इनको तार से दो जगह कस के बांधते हैं ताकि ये रास्ते में कहीं टूटे गिरे या हले ना, और सेफ्टी के लिए एक बार और इनको किसी और चीज़ से बांधते हैं, कपड़े से, रस्सी से, और बाकी काम ऐसे ही चलता है। आगे दिखाते हैं। Thank you.
मेरी ट्राली तैयार हो गई है और इसमें 4 12 इंची, 2 15 इंची, 2 सिंगल 15 इंची और 3 18 इंची बेस। अभी काम चल रहा है, ये देख सकते हैं एम्पलीफायर के कनेक्शन हो रहे हैं और ये स्टाल जो लगे हुए हैं फिर से मतलब दोबारा से बांधे जा रहे हैं और जहाँ तहाँ जो भी काम छूट गया अभी वो हो रहा है। उसके बाद उसके तिरपाल डाला जाएगा, पन्नी डाली जाएगी और भी छोटा मोटा काम जो रह गया है वो सब होगा। पूरा ट्राला है, इसके आगे 2 जनरेटर लगे हुए हैं। इसके ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ क्या कैसा हुआ। पूरे में ये लग गई हैं, गद्दे पड़ गए। अब ये दोबारा से स्टॉल बांधा जा रहा है कपड़े से और बाकी छोटा मोटा काम तो रह गया वो रह गया और मशीनें वगैरह भी सारी बन चुकी हैं और अभी सिर्फ साउंड टेस्ट रह गया है। साउंड टेस्ट करते हैं। स्टेबलाइजर लगा है और ये सारी मशीन लगी हुई है। ये सारा सेटअप इस तरह से चल रहा है। ये फाइनल टेस्ट कंप्लीट होता हुआ अभी पूरी तरह से तैयार हो लिए और ट्राली भी तैयार हो गई। बस कपड़े पैक करना है, बस जाना है। मिलते हैं सीधे आपको ट्राली पे, ठीक है। जा रहा है बैठने के लिए ट्रॉली पे, देख लीजिए यहाँ थोड़ी दूर है घर से ट्रॉली जहाँ पे खड़ी हुई है वो दिख रही। दिख रही है बाकी डिटेल हम आपको आगे आगे देते रहेंगे कैसा क्या कब होता है कावड़ ले जाने के टाइम। अभी तो फिलहाल
ट्राली जा रही है फरकाबाद के लिए, यहाँ से जाएंगे फरकाबाद, फरकाबाद से फिर जब जल भर के चलेंगे फिर आपको फिर से बताएंगे कि उसके बाद हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, अभी चलते हैं ट्राली के पास और फिर ट्राली के पास मिलते हैं। ठीक है, अभी ट्राली रोड पर खड़ी होने के लिए निकल रही है, देख लीजिए। और ये सारे लोग आ चुके हैं जो जाने वाले, और बाकी लोग आ रहे हैं। ट्राली यहाँ पर खड़ी होगी, यहीं बजेगी अभी कम से कम एक डेढ़ घंटा और लग जाएगा, तब तक आप देखते रहिए। हेलो, सभी लोग ताल में बैठ, कम से कम नीचे कूद कर ले वैन है। इतने सारे लोग ट्राली को विदा करने आए हैं, सभी लोग किसी ना किसी के घर वाले हैं और चला जा रहा है, कृपया ध्यान दें। जो भी ट्राले पे बैठने के रह गया वो बैठ जाए, आके ट्राला 5 मिनट में चालू हो जाएगा। जय भोले की। ड्राइवर साहब ट्राली बढ़ाए आगे। हेलो ड्राइवर साहब ट्राली बढ़ाए। बोलो शंकर भगवान की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की, हर हर महादेव।
ट्राली रुकी है पैसे जमा करने के लिए, तो यहाँ पे जो है पेट्रोल पंप अभी यहाँ पे पैसे भी जमा होंगे और पेट्रोल भी डीजल भी भरा जाएगा। यहाँ पैसे जमा हो रहे हैं, एक आदमी के 300 रुपये किराया हो है इस पे जाने के लिए ट्राला कंडक्टर, एक आदमी का 300। यहाँ से जाएंगे फरकाबाद, फरकाबाद से जल भरेंगे, उसके बाद गोला के लिए निकलेंगे। यहाँ पे सभी के पैसे इकट्ठे होते हुए एक आध लोगों के रह गए हैं जो अभी देंगे, और एक आदमी के 300 रुपये जमा हुए हैं, तो लगभग 50 लोगों ने पैसे जमा कर दिए और 15,000 कुछ रुपए हो चुके हैं जो रह गए हैं वो जमा करेंगे। और किसी ने बाद में देने का बोला है, कोई मालिक को देगा। तो यहाँ पे कुल मिला के 15,600 रुपये नीचे बोलोगे ना, काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया जाता है। और जो इससे पहले जो ट्राली बांधने के लिए रस्सी वगैरह ज़रूरत पड़ती वो भी इसी में इंक्लूड होगी अभी, और सारा कुछ कटा के बचेंगे तो 100-200 रुपए बच पाएंगे, बाकी तो सारे खर्चा हो जाएंगे। और फिलहाल बचते तो हैं ही, क्योंकि आइटम सब तो किराए का होता है, जनरेटर सिर्फ अपने हैं, डीजे किराए का है, ट्रैक्टर अपना है लेकिन उसमें डीजल तो पड़ेगा, और जनरेटर में डीजल पड़ेगा वो खाता है, और जो सामान सट्टा लगता है वो सारा कुछ किराए का होता है। तो आखिर में आके ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा, तो जो बचेगा वो तो एक रख लेंगे और उसका कुछ किसी काम में लगा देते हैं, तो वो अपनी जेब में तो फिलहाल नहीं जाते हैं किसी के भी। तो ये सारा हिसाब किताब यहाँ से लग के डीजल पड़ेगा, और बस फिर यहाँ से सीधे निकलेंगे फरकाबाद के लिए। फरकाबाद तक जाने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है क्योंकि रोड नहीं सही है, तो इसकी वजह से थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है। यहाँ पैसे ऐसे इकट्ठे हर साल यहीं पैसे इकट्ठे होते हैं, और इस बार भी यहीं इकट्ठे हुए क्योंकि यहाँ पेट्रोल पंप ये जाने हुए हैं, तो यहीं पे कर लेते हैं, यहीं से डीजल लेते हैं। तो लौट के जहाँ तहाँ अगर ज़रूरत पड़ती है, पहली बार ट्रैक्टर के लिए तो मुश्किल से ज़रूरत पड़ती है, और बाकी ज़रूरत पड़ती है तो जनरेटर के लिए तो वो रास्ते में ले लेते हैं। यहाँ सारा हिसाब किताब कम्प्लीट हो जाता है, और यहाँ से अब चलते हैं ट्रैक्टर में डीजल भराने के लिए। अभी ट्रैक्टर में डीजल पड़ रहा है 4,000 रुपये का, और 500 रुपये जनरेटर के लिए डीजल लिया गया है, 500 रुपये को 4,000 रुपये का मैं ट्रैक्टर में पड़ा है। देख सकते हैं कुपोटा है, बिल्कुल नया है, अभी साल लाएंगे। यहाँ पे डीजल जो है 4,000 और 500 रुपये का डेढ़ मिनट के लिए यहाँ से सारी ट्राली
यहाँ पर एक कैंडिडेट ट्राली पर से बहुत थोड़ा पानी की बोतल ले रहे तो उसके हमारे ट्राली रुक गई है। चोट पेट नहीं लगी है, फरकाबाद यहाँ से है लगभग, फरकाबाद है यहाँ से लगभग 42 किलोमीटर। अभी चलते हैं फिर लागन से पहले मिश्रा ढाबा प्रधान यहाँ आपस में डिस्कस करते हुए कि कहाँ पर पहुँचे कहाँ नहीं। अभी फिलहाल यहाँ वाला टाइम हम तो उतार ले, मेरी तो है ना ट्रक की बात है, कह दियो विशाल से वो उतार दे। अब यहाँ सभी लोग खाना खाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। देख सकते हैं ये सारे कैंडिडेट हमारी ट्राली के हैं, ये है हमारा ट्राला और यहाँ पे सभी लोग रुके हैं खाना खाने के लिए और सब अपना अपना कोई फोटो खींच रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई खाना ऑर्डर कर रहा है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं और यहाँ से सीधे चलते हैं आगे पर्दा और रुकेंगे। दो बार जो है पट्टी की है उधर से जा रहे थे पट्टी और उधर से आ रहे थे पट्टी, फिलहाल अभी तो ये पट्टी फंस रहे हैं क्योंकि ऐसे ऐसे कटेंगे नहीं तो ये हमारे बट क्या करेंगे वो सही से जो पट्टा पहले नीचे तो सही करो, नीचे सही है, नीचे थोड़ो इधर करो, छोड़ देते हैं उधर वाला ऐसे उन्हें साइड कर दे यार, साइड कर दो उन्हें, जाओ रुक जाओ हो सके तो काफी ड्रामा करें तो एक आध बार पट्टा एक्स्ट्रा लगा के जाए या ऐसे ना डील हो पेट का सलाब हो क्योंकि रास्ते में कहीं भी जाता है तो दोबारा फंसेंगे और एक पट्टा एक्स्ट्रा होना चाहिए और उसके तो वो कहीं चाहिए तो पट्टा उधर इधर उधर उधर अरे इधर तो सही है उधर सड़का देख लो की जो आवाज हालांकि होना चाहिए था नीचे जब भरे टाइट हो और ऊपर के लिए छोड़ने लाख रात के बीच बट्टे टाइट करते हैं और चलते हैं आगे। देख सकते हैं रात के 1:15 हो चुके हैं, अभी चलते हैं आगे और अभी हम फरकाबाद पहुंच चुके हैं, मतलब जहां से मेला स्टार्ट हो जाता है, दुकानें वगैरह लगनी स्टार्ट हो जाती हैं वहां तक पहुंच चुके हैं। अभी यहां से आपको दिखाते हैं कैसे क्या मेला चला, मेला तो फिलहाल अभी हल्का है और ये हम जो है ट्राला पीछे आ रहा है और हम जो है मोटरसाइकिल पे, एक भतीजा है और एक लड़का और तीन लोग हैं हम लोग मोटरसाइकिल से, मतलब हैं साथ में ही ट्राली के ट्राला के
लेकिन फिर भी ये देख सकते हैं रेडीमेड कांवर मतलब कांवरें बनी हुई रखी हैं, कपड़े की दुकानें वगैरह लगी हुई हैं, झंडे हर तरह के मिल जाएंगे आपको यहाँ। और आप मतलब अगर कुछ भी ना लेके जाएं और आपको कांवर लाने का मन कर रहा है तो वहाँ हर चीज़ मिल जाती है मेले में, तो बस आपको लेना है और बस लाना है। देख सकते हैं कितनी सारी कांवरें बनी रखी हुई हैं और दूसरी साइड में भी सेम इसी तरह की दुकानें हैं। ये दुकानें आखिर पुल तक जाती हैं, वहाँ तक ये दुकानें हैं, उसके बाद आप घाट तक जाएंगे तो वहाँ पर भी दुकान है। हर जगह दुकानों की भरमार है एक हिसाब से समझी जाए। अभी हम आ चुके हैं, देख सकते हैं ये आगे पुल है और यहाँ से जाएंगे हम नीचे के लिए स्नान करने और जल भरने। हर साल इसी घाट तरफ जाते हैं और अभी हम पुल पे चल रहे हैं। पुल देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पुल में खड्डे हैं जो जॉइंट नहीं होता है वहाँ पे, मतलब चौड़ी चौड़ी लाइनें। और ये है हमारा ट्राला जो अभी पहुँचा है फरकाबाद पुल पर, देख सकते हैं। और पोपोटा और ट्राला, ये ट्राला कम से कम 8 से 10 बार गोला से फरकाबाद आता है। रात के 2 बज गए हैं लगभग, गोला घाट अभी ये आगे घाट गोल चक्कर से आते हैं के आएगा वापिस, तो अभी ये ट्राला तब तक हम इंतजार करेंगे। तो आ रहे हैं मोटरसाइकिल से, यहाँ कॉपी राइट आ जाए क्योंकि तरह तरह गाने बजते हैं, तो इसीलिए हो सकता है बाद में वॉइस ओवर करना पड़े। चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर